मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान स्वतंत्र निष्पक्ष और निर्भीक मतदान सुनिश्चित करने निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। चुनाव में निर्वाचन व्यय के संबंध में चुनाव आयोग के आदेशों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। विभिन्न जिलों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की गई जब्त। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने चुनाव आयोग द्वारा व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। सागर संभाग के सभी जिलों में आम नागरिकों को मतदान की दिलाई गई शपथ। बुरहानपुर के नेपानगर तहसील की 104 वर्षीय माहोबाई ने मतदान को लेकर दिखाया उत्साह। जिला प्रशासन ने बुजुर्ग महिला की जागरूकता की तारीफ करते हुए किया सम्मान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्र और राज्य सरकार ने 5 रुपए तक घटाया टैक्स। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई कमी। भोपाल में 85 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। आम नागरिकों ने सरकार के कदम का किया स्वागत। मंदिरों के पुजारियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। पुजारियों को संबल योजना का दिया जाएगा लाभ। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का किया स्वागत। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री माया सिंह ने भोपाल में मिशन एमपी नंबर 1 स्वच्छ सर्वेक्षण केंद्रित कार्यशाला को किया संबोधित। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए अच्छा कार्य करने वाले नगरीय निकायों को किया सम्मानित। स्वच्छता को आदत में शुमार करने का किया आह्वान। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के सर्वोच्च विक्रम एकलव्य और विश्वामित्र खेल पुरस्कार के चयनित खिलाड़ियों का किया सम्मान। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले मुस्कान किरार, हर्षिता तोमर और विवेक सागर को दी गई प्रोत्साहन राशि। भोपाल में 39वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप हुई प्रारंभ। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। 4 वर्गों के सेमीफाइनल में बनाई जगह। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। शिवपुरी में माधवराव सिंधिया खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया उद्घाटन। हॉकी स्टेडियम में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई गई एस्ट्रोटर्फ। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के शहशाह गार्डन में आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य एटीएम का किया लोकार्पण। आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले गए स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न बीमारियों के इलाज का किया गया है इंतजाम। भारतीय क्रिकेट के उदीयमान खिलाड़ी पृथ्वी शॉ ने अपने पहले ही टेस्ट में जमाया शतक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज करते हुए पृथ्वी ने 99 गेंदों में पूरा किया शतक। पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय। वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन। चेतेश्वर पुजारा ने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर 199 रनों की साझेदारी की। कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत ने लगाए रनों का अंबार। भारतीय पारी 400 रनों के पार। प्रदेश में मॉब लिंचिंग या भीड़ की हिंसा पर होगी तुरंत कठोर कार्रवाई। ऐसी घटनाओं को IPC और CRPC के तहत माना जाएगा अपराध। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नियमित रूप से की जा रही है पेट्रोलिंग। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। लोकल स्तर पर सिस्टम बनने से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुई हल्की बारिश। मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक में हो सकती है जोरदार बारिश। और राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के चूनापट्टी इलाके में सड़क डांबरीकरण और नाला निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। निर्माण कार्यों के लिए 10 लाख रुपए की राशि की स्वीकृत। लोगों को जल कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी।